हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की आज दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। दूसरी बुक का नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। उसका पहला जो चैप्टर है वह भारत की स्थिति, उसका नाम है। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी के संदर्भ में हम आज पढ़ाएंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो देखिए बच्चों, पहला चैप्टर पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, ठीक है बच्चों? आप पिछली कक्षाओं में भारत का मानचित्र देख ही चुके हैं और अब आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए। इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम यानी नीचे वाला बिंदु और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यानी कहने का मतलब हमारे भारत का जो विस्तार है, उत्तर में तो है कश्मीर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सीमांतर्गत बोलते हैं इसको। इसका जो क्षेत्र है समुद्र में है, वो 12 समुद्री मील के लगभग फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखें। देखिए एक मानक मील है, मानक मील में कितने होते हैं, 63,360 इंच होते हैं, लेकिन समुद्री मील में जो है वो 72,960 इंच होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य मील होता है धरातल पर जो नापते हैं वह है समुद्री मील से छोटा होता है। एक मानक मील में 1.6 किलोमीटर लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, जबकि एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ये हम समझ सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। हमारे देश की दक्षिणी सीमा यानी हमारे भारत की जो दक्षिणी सीमा है वह बंगाल की खाड़ी में 6.45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री, यानी हमारे भारत का अक्षांश विस्तार 30 डिग्रियों में फैला हुआ है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी जो वास्तविक दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है और पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए हम पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग एक के अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय वाले संख्या 3 को देखेंगे। उसमें मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। इसके बाद देखिए, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, जो देशांतर खड़ी लाइनें जो होती हैं ग्लोब पर, खड़ी लाइन जैसे तरबूजे पर बनी होती हैं बच्चों, ऐसी लाइनें जो हैं वो भूमध्य रेखा पर तो सबसे चौड़ी होती हैं, लेकिन दोनों ध्रुवों पर जा करके ये मिल जाती हैं।
और दोनों ध्रुवों पर जाकर के घट करके एक बिंदु में मिल जाती हैं, जबकि दो दे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जगह एक सी रहती है, यानी समानांतर रहती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। आप इतना याद रखो, 111 किलोमीटर की दूरी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, यानी हमारे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा वो उष्ण कटिबंध में आता है, यानी गर्मी वाले एरिया में आता है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर माने तो कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच में होकर जा रही है, तो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा वाला एरिया उष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए हमारा दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध में है, और उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्ण कटिबंध तथा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यानी 23.5 से ऊपर वाला हिस्सा। यही स्थिति देश में भू आकृति आकृति जलवायु मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब, दो जलवायु प्रदेशों में हमारा भारत विभाजित है, बटा हुआ है, यानी 23.5 डिग्री जो हमारे भारत के बीचों बीच में होके कर्क रेखा जा रही है, उससे नीचे वाला जो भाग है वह तो आता है उष्ण कटिबंध में, यानी गर्मी वाले एरिया में, और उससे ऊपर वाला भाग है हिमालय तक, वह आता है शीतोष्ण कटिबंध में, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी वाले एरिया में आता है। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी देशांतर रेखाओं का भी जो अंतर है वो 30 डिग्री है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों में समय के लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। कहने का मतलब, जो देशांतरीय विस्तार है, खड़ी लाइनें जो हैं, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, वो 30 डिग्री हैं, पाई जाती हैं देशांतर, 30 डिग्री 30 रेखाएं, और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो बच्चों इस हिसाब से देखें तो 30 का इंटू हम 4 से करेंगे, यानी 30 देशांतरों का गुणा हम 4 मिनट से करेंगे, तो 120 मिनट निकल के आता है, और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। तो इसलिए 2 घंटे का अंतर हो जाता है राज्य में पूर्व से पश्चिम वाले में। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे, अगर अरुणाचल प्रदेश में होता है सूर्य उदय, तो सूर्य उदय गुजरात में जो होगा वो 7 बजे होगा। कहने का मतलब ये है, यानी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं, भारत यामोत्तर का क्या उपयोग है? मानक यामोत्तर का मतलब होता है बच्चों कि जो एक देश के समय को निर्धारित करने के लिए एक मानक रेखा मानी जाती है, जो कि हमारे भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसका निर्धारण हमारे भारत में जो 2 घंटे का अंतर होता है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसी के आधार पर 82.5 डिग्री पर जितना समय होता है उतना हमारे संपूर्ण भारत में लागू किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग है मानक यामोत्तर रेखा का। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसी के कारण होता है बच्चों, मानक यामोत्तर रेखा के कारण। इसको हमने मान लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी में होके जा रही है, ये रेखा काल्पनिक है, मानी गई है, और इसी के आधार पर हमारे भारत की समस्त घड़ियों का समय एक जैसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक यामोत्तर गुजरती है। देखिए, उत्तर प्रदेश है, इसके बाद में आपका महाराष्ट्र आता है, फिर इसका हिस्सा आता है आंध्र प्रदेश का, फिर कुछ उसका आता है आपका तमिलनाडु का, इस तरीके से ये बीचों बीच में होके जा रही है सीधी लाइन। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये एक
बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम उत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम उत्तर को भारत की मानक याम उत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना, ग्रीनविच जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है बच्चों, 5.5 घंटे आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं, वहीं रूस में सबसे ज़्यादा हैं। बच्चों जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है उनका मानक समय, जो मानक अक्षांश रेखा मानी जाती है, वह बड़ी होती है। ये हम देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे भारत का राजनीतिक मैप है। इसमें भारत के राज्य और राजधानियां दे रखी हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, प्रत्येक राज्य और उसकी राजधानी। तो देखिए बच्चों, ये लेटेस्ट है मैप जो है। अब देखिए बच्चों, ये जम्मू कश्मीर हिस्सा जो है वो दो दो कर दिए, ये लद्दाख वाला है ये अलग कर दिया है, और श्रीनगर वाला ये अलग कर दिया है। इसके बाद में ये सभी राज्य दे रखे हैं इसमें, राजस्थान अपना दे ही रखा है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, यहाँ पर गोवा है ये छोटा सा, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा बिहार, उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर। इसके अलावा इधर आ जाओ तो ये सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, और इसके बाद में ये छोटा सा त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और ये असम है। बाकी के पड़ोसी देश हैं ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, और इधर यहाँ अफगानिस्तान। ये आपका बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे द्वीप भी दे रखे हैं, जैसे कि ये लक्षद्वीप, कवरत्ती द्वीप, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से ये हमारे राज्य और राजधानी दे रखी हैं। कुछ राज्य और रह गए हैं, देखिए एक पंजाब और ये छत्तीसगढ़, और इसी में दिल्ली है, हरियाणा सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारे भारत का राजनीतिक मैप है, इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये भारत की स्थिति है हमारे ग्लोबल स्थिति पर, ग्लोबल क्षेत्र पर बात करें तो देख सकते हैं बच्चों, हमारे भारत की स्थिति एशिया के दक्षिणी पूर्व में है, और भारत से पड़ोसी देश जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं ये हम देख सकते हैं। और ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है ये समुद्री मार्ग हैं बच्चों, और सीधी लाइन जो है ये आपके हवाई जहाज वाले क्षेत्र हैं जहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं। तो ये हमारा भारत, ये इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऊपर एशिया महाद्वीप है, इसके अलावा ये इंडोनेशिया मलेशिया द्वीप हैं, ये चाइना चाइना है, ये अरब कंट्री हैं, इधर ये हिंद महासागर है पूरा। तो इस तरीके से हमारा भारत फैला हुआ है। भारत हमारे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, पृथ्वी के में। इसके बाद देखिए बच्चों, आगे चलते हैं।
भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण, जो विश्व के स्थलीय भाग के 2.41% भाग है। यानी हमारे भारत संपूर्ण पृथ्वी का कितने भाग को घिरे हुए है, 2.41% भाग को। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक पढ़े भारत में बड़े देशों के नाम याद हैं? नहीं है तो मैं बता देता हूँ बच्चों, रूस, कनाडा, चीन। समझ में आ रहा है? रूस, कनाडा, चीन, ये क्षेत्रफल से बड़े हैं। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में 7वां आता है हमारा भारत। तो हमारा भारत 7वें स्थान पर आता है, इससे जस्ट छोटा है वो अर्जेंटीना है, 8वें स्थान पर आता है। हमारे भारत से 7 बड़े देश हैं जो मैंने अभी बताए। इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों आकार की। देखिए बच्चों, आकार को हम बाद में पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।